32 पे चार आउट दिखे ना, तो मैं नमाज पढ़ने गया था, तो मैंने आया, मैंने यार दो आउट थे, चार आउट हो गया, देखा कप्तान बैटिंग कर रहा था, एक बच्चा दास बैटिंग कर रहा था, तो दास जिस वे में खेला था, मैंने इसको देखा, फ्यूचर सुपरस्टार सचिन संजय दास। 19 सतह पर टीम हो, 250 का रन चेस कर रही हो, वर्ल्ड कप हो, सेमीफाइनल जैसा मैच हो, पर 32 पर चार खिलाड़ी और वो भी जो फॉर्म के अंदर हैं, वो पवेलियन लौट चुके हैं और फिर भी वो टीम मैच जीत जाए, ऐसा कमाल टीम इंडिया ही कर सकती हो। 32 के ऊपर चार आउट थे, 32 के ऊपर चार, और कहां से मैच को लेके गए सचिन दास और कैप्टन सहारन। भाई मुझे ये बता दो इंडिया वालों, इतने बल्लेबाज कहां से लाते हो, क्या खा के पैदा करते हो ऐसे बल्लेबाज? माय गॉड, इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने, अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों ने क्या कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस दिखाई है। एक कंप्लीट मैच कहां पहली बॉल पे आउट हो गया, 8 पे दूसरी विकेट, 23 पे तीसरी विकेट, 32 पे चौथी विकेट, आज लगा 50 पे ऑल आउट हो गए। क्या कमबैक किए, दास ने क्या बैटिंग करी है, सहारन ने क्या बैटिंग करी है। जो बैटिंग करी ना उदय ने, उसने, मैं अमूमन बोलता हूँ ना, खिलाने वाला रन सामने वाले से बनवाने वाला, उदय ने वो काम करा, विकेट पे स्टे करा उसने, उसने बोला मैं 124 बॉल पे 81 करें, सिर्फ 6 चौके मारे, उसने बोला नहीं, उसकी कैलकुलेशन जो है ना बहुत अच्छी थी, उसको पता था किस किस बॉलर का एक एक ओवर दो दो ओवर बचे हुए, वो वेट कर रहा था। और इतना मेंटली मैच्योर होना और इतने प्रेशर को बेयर करना, ये साफ इशारा है कि इंडिया का फ्यूचर इस अंडर 19 टीम से साफ नजर आ रहा है कि कितना ब्राइट है। और कोई और टीम होती उसे चेज ना होता, ये इंडिया ही था जिसने चेस कर लिया अंडर प्रेशर, 32 में चार, कोई खाला जी का वाड़ा नहीं, वहां से जाके चेस करवाया, कहां से मैच को लेके गया भाई, मतलब दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कल अगर असंभव को संभव करके कोई टीम दिखाए तो भारतीय अंडर 19 टीम, मतलब हमारे भारत के बच्चे हैं। 32 में कल चार विकेट चला गया था, मतलब भारतीय टीम का, लेकिन उसके बाद जो उदय सहारन और सचिन दास ने जिस तरीके से बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है, ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो कोई विराट कोहली और केएल राहुल आ गए बैटिंग करने के लिए। मतलब जिस तरीके से उन्होंने एक मैच्योर इनिंग्स खेला, मतलब ये उम्मीद नहीं किया जा सकता कि भाई अंडर 19 टीम में इस लेवल की मेंटालिटी के साथ भी बल्लेबाजी किया जा सकता है, तो उसको सच करके दिखाया उदय सहारन और सचिन दास ने। 170 प्लस से भी मतलब पार्टनरशिप इनकी लगी 5th विकेट में, और इतनी बड़ी मतलब चेस था, मतलब 32 में चार विकेट गिर गए थे, आपको 255 रन बनाने थे, लेकिन फिर भी ये हो गया, मतलब क्या ही कहा जा सकता है। और इन दोनों की जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम है, इन दोनों ने मतलब झलक दिखा दिया कि भाई हम लोग फ्यूचर स्टार है। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी जमकर तारीफ कर रहा है हमारे बच्चों की। चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो गेम। 19 सतह पर टीम हो, 250 का रन चेस कर रही हो, वर्ल्ड कप हो, सेमीफाइनल जैसा मैच हो, पर 32 पर चार खिलाड़ी और वो भी जो फॉर्म के अंदर हैं, वो पवेलियन लौट चुके हैं और फिर भी वो टीम मैच जीत जाए, ऐसा कमाल टीम इंडिया ही कर सकती है। और वो भी अंडर 19 लेवल पर इतना मैच्योर खेलना, ये एक ख्वाब हो सकता है जो टीम इंडिया ने आज पूरा किया है। अमूमन कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका चौकस है, बट आज जिस तरह की बल्लेबाजी की मिडिल के अंदर इंडियन बल्लेबाजों ने, वो कमाल थी। और ये वही टीम इंडिया है जिसको 2 माह पहले मैंने UAE में, यहां पर जूनियर एशिया कप यानी अंडर 19 एशिया कप हुआ, ये वही टीम है जो पाकिस्तान से 8 विकेटों से हारी, जो बांग्लादेश से सेमीफाइनल में 4 विकेटों से हारी। मुझे लगा था कि इंडिया की जूनियर टीम को हो क्या गया, मगर इन 2-3 माह के अंदर टीम इंडिया ने ऐसी तैयारी की, अब वर्ल्ड कप के अंदर टीम इंडिया एक डिफरेंट टीम नजर आ रही है। आप उनकी बॉलिंग देख लें, आप उनकी बैटिंग देख लें। और एक खास पॉइंट, मुझे लगता है कि अंडर 19 सतह पर कोई क्रिकेटर इतना कैसे मैच्योर हो सकता है, और खासकर मुशीर खान उनके मेन बल्लेबाज, वो 4 रन के ऊपर आउट हो गए हैं। एकदम दबाव पड़ता है कि आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं, आप चेस की तरफ जा रहे हैं, और एक उस बॉलिंग अटैक के सामने जो इस वर्ल्ड कप में सबसे खूबसूरत बॉलिंग अटैक है, और उन्हीं का ही देश है, साउथ अफ्रीका के अंदर ही हो रहा है, और आप 32 पर 4 आउट भी हो चुके होते हैं, और फिर आप इतनी मैच्योर इनिंग खेलते हैं और 171 की पार्टनरशिप लगाते हैं, और अंडर 19 सतह, मेन पॉइंट ये है कि अंडर 19 सतह के ऊपर आप इतना मैच्योर होकर खेल रहे हैं, ये एक खास बात है। और मुझे लगता है कि जो अमूमन लोग कहते हैं कि इंडिया क्रिकेट के ऊपर बहुत इन्वेस्ट करता है, आप उनकी बड़ी टीम की तरफ हम देखते हैं कि इंग्लैंड को हरा रही है वर्ल्ड कप का, वो फाइनल खेली, करते ऑस्ट्रेलिया से हारे, पर मुझे लगता है कि उनकी बेस अब इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि आपको इस तरह की जो चीजें हैं ना, जो लोग सोचते हैं कि अगर इतना बुरा कोई खेल रहा हो तो कैसे वो इस तरह से ऊपर आ सकता है, वो इंडिया वो सब सोच को ठीक करके दिखा रहा है। मगर इस तरह की कंडीशन से जीतकर ऊपर आना, ये साफ इशारा कर रहा है कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो भी एक महफूज हाथों में है। और इतना मेंटली मैच्योर होना और इतने प्रेशर को बेयर करना, ये साफ इशारा है कि इंडिया का फ्यूचर इस अंडर 19 टीम से साफ नजर आ रहा है कि कितना ब्राइट है। और क्या शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की है, यकीन करें कि 32 के ऊपर 4 आउट थे, 32 के ऊपर 4, और कहां से मैच को लेके गए सचिन दास और कैप्टन सहारन ने, शानदार किस्म की उदय सहारन ने, शानदार किस्म की बल्लेबाजी की, कैप्टन ने लीड किया, एंड तक खेलता रहा। भाई मुझे ये बता दो इंडिया वालों, इतने बल्लेबाज कहां से लाते हो, क्या खा के पैदा करते हो ऐसे बल्लेबाज के, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज इंडिया के पास आए जा रहे हैं। आखिर कर दिए यार, मतलब कि यहां पे एक पुराना नाम भूलते नहीं, अभी नए लड़के आए हुए, जयसवाल हो गया, गिल हो गया, रिंकू हो गया,
अब और भी आ गए हैं, अब ये जो सामने आए हैं उदय सहारा जो कि कैप्टनसी कर रहे हैं और साथ ही सचिन दास, इसी के साथ साथ वो मुहेश खान जिसने अंडर 19 में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है, ये प्लेयर बड़े शानदार प्लेयर आ गए हैं, तो वो पहले वाले भी भूलते नहीं, अभी वो दिमाग के अंदर होते हैं तो नीचे से कोई दूसरे प्लेयर आ जाते हैं, ऐसा ऐसी जात का प्लेयर, वही सवाल दोबारा पूछूंगा, मुझे ये बता दो क्या खाकर पैदा कर रहे हो ऐसे शानदार किस्म के खिलाड़ी जो कि ऐसी बैटिंग करना जानते हैं, यकीन करें कोई और टीम होती उसे चेज ना होता, ये इंडिया ही था जिसने चेज कर लिया अंडर प्रेशर 32/4, कोई खाला जी का वाड़ा नहीं, वहां से जाके चेज करवाया, कहां से मैच को लेके गया, सचिन दास अपनी सेंचुरी मिस की, वेल डिजर्व 100 जिसको कहते हैं डिजर्व करता था लड़का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी नहीं हो सकी, उदय ने भी शानदार किस्म की बल्लेबाजी की, एक टाइम के ऊपर मैच इनके हाथ से निकल गया था, मैच इनके हाथ से एक टाइम के ऊपर निकल गया था, वो तो एंड के ऊपर आके लिंबानी साहब ने आपको बचा लिया, पहली बॉल के ऊपर जो छक्का उसने मार दिया और एंड के ऊपर जो चौका मारा, वो जो छक्का उसने मारा ना एंड के ऊपर आके, वो पहली बॉल खेल रहा था लड़का, उसने विकेट्स भी निकाली थी और उसने पहली बॉल खेल रहा था, उसने शानदार किस्म का जो छक्का मार दिया ना, उससे आप जैसे कहते ना आपकी बचत होगी, वरना वो मैच हाथ से निकल गया था, क्योंकि उस टाइम के ऊपर 14 बॉलों पे 19 चाहिए था और वो छक्का लगा तो वो 13 बॉलों के ऊपर 13 रह गया था और फिर उसके बाद 2 ले लिया, तो मैच तो एकदम से सीधा हो गया था, मैच बड़ा जैसे कहते ना इंटेंस मोड के ऊपर चला गया था, लेकिन शानदार किस्म की वहां पर बल्लेबाजी की, कैप्टन उदय खड़ा हुआ था, इसी के साथ साथ लिंबानी साथ खड़े हुए थे, दोनों ने शानदार किस्म का मैच को फिनिश किया, एंड के ऊपर लकीली जो कैप्टन थे उन्होंने पूरा सेशन खेला और एंड के ऊपर आके वो आउट हो गए, बड़ा शानदार किस्म का मैच हुआ, इंडिया पहुंच गया फाइनल के अंदर, देखिए इंडिया अंडर 19 के अंदर ट्रॉफीज पे ट्रॉफी जीतता है ये बात नहीं है, वो अलग टीम है, इंडिया की अंडर 19 की टीम ट्रॉफीज जीतना जानती है, बड़े वर्ल्ड कप जीते हुए हैं ये, बड़े आराम से जीत जाते होते हैं, हमारा तो देखो ना, अब इंडिया तो अफ्रीका को हरा गया, अफ्रीका की जो बॉलिंग थी इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा खतरनाक थी, इनका जो मफाका जो बॉलर है वो छोड़ता नहीं, वो हाईएस्ट विकेट टेकर है, वो शानदार किस्म की बॉलिंग करता है, वो बड़ा खतरनाक किस्म का बॉलर है, उसके खिलाफ उसने एक विकेट निकाला, सचिन दास को उसने आउट किया, उसके खिलाफ शानदार खेला, ल्यूस के खिलाफ शानदार खेला, बड़ा तरीके से खेल के गया, और सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या थी, सचिन दास और सहारा की जो उदय सहारा की जो विकेट थी ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इनको जिसको कहते हैं ना, इन्होंने बड़े तरीके से इसको हैंडल किया, प्रेशर को बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेशर को हैंडल करके मैच को लेके गए, यही तो क्वालिटी है, आप देखिए सेमीफाइनल आप खेल रहे हैं, सेमीफाइनल के अंदर मैं ये समझता हूं इन्होंने हिस्ट्री बनाई, कोई आम मैच नहीं था, एक बहुत बड़ा मैच था, 32/4 से एंड में मैच जीतना ये इंडिया ही कर सकता है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमने भी 4 इनके आउट कर लिए थे T20 वर्ल्ड कप के अंदर, उसके बाद कहां से लोग मैच को लेके चले थे, माय गॉड, इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों ने क्या कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस दिखाई है, एक कंप्लीट मैच, कहां पहली बॉल पे आउट हो गया, 8 पे दूसरी विकेट, 23 पे तीसरी विकेट, 32 पे चौथी विकेट, आज लगा 50 पे ऑल आउट हो गए, बट क्या कमबैक किए, दास ने क्या बैटिंग करी है, सहारन ने क्या बैटिंग करी है, और मेरे ख्याल में दे डिजर्व इट, द वे दे प्लेड टुडे, बीच में ठीक है आप दुरुस्त कह रहे हैं कि शुरू में जब आपकी 4 विकेटें जल्दी गिर जाए तो परेशानी होती है, टीम इंडिया में भी वो पैनिक बटन उस वक्त नजर आ रहा था जिस तरह से शुरू की विकेटें गिर रही थी, लेकिन उसके बाद जो कप्तान है और उनके साथ जो दास है, उन दोनों ने मिलके सहारन और दास ने जो कमाल की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली है वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया उसने भारत की टीम की इस बड़ी जबरदस्त और एक्साइटिंग जीत में। देखिए ये बेसिकली जो ये टीम जीती है ना, ये भारत का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जो भारत में जो एज लेवल की क्रिकेट है उसको जिस तरीके से प्रोफेशनली चलाया जाता है, जिस तरीके से जबरदस्त अंदाज में चलाया जाता है, जिस तरह से टैलेंट को सिलेक्ट किया जाता है और टैलेंट को फिर उसको टैलेंट को नरिश किया जाता है, उस टैलेंट को आगे लेकर के आया जाता है और फिर उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि ये जो एक सिस्टम है ये बेसिकली उस सिस्टम की जीत है भाई, मतलब दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन अगर कोई क्रिकेट बोर्ड है तो वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से काम कर रहा है वो फिर आपको आगे रिजल्ट नजर आ रहे हैं, और वही रिजल्ट हमें आज के इस सेमीफाइनल में नजर आए। जैसे आपने बताया कि 32-34 पे जब आपके 4 खिलाड़ी आउट हो तो वहां से आप उठे और उठ के आपके जो 2 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और उसमें जो कप्तान है जिन्होंने कप्तानी बारी खेली, मतलब ये दोनों मिलके जब अपनी टीम को एक ऐसी जगह पे ले जाते हैं कि जब ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीत है भारत के लिए, दे आर द फर्स्ट फाइनलिस्ट ऑफ 2024 अंडर 19 वर्ल्ड कप, और इस पे जितनी भी मुबारकबाद दी जाए भारतीय यंगस्टर्स को वो कम है, दे आर द फ्यूचर स्टार्स, इनका जो यंग कप्तान है उसमें हमें लीडरशिप एबिलिटीज क्वालिटीज नजर आई और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें देखने को मिली है, ये बहुत बड़ी बात है, इतनी कम उम्र के अंदर आप इस तरह से रिस्पॉन्सिबली खेलते हैं कि अपनी टीम को फ्रॉम नोवेयर उठा के जितवाते हैं और सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचाते हैं, ये बड़ी बात है।
तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया तारीफ कर रहा था, तारीफों की पुल बांध रहा था हमारे भारत के बच्चों के लिए, तो और होना भी चाहिए क्योंकि बच्चे जिस तरीके से खेल रहे थे, मतलब ये मैच अगर भारत हार भी जाता इतना कुछ हम नहीं सुनाते क्योंकि ये बच्चे हैं और इनके साथ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, ना ही कि इनकी बार बार ट्रॉफी उनसे उम्मीद रखा जाए। और ये ट्रॉफी देते भी हैं क्योंकि जो 6 बार तो भारत जीत चुका है अंडर 19 वर्ल्ड कप, 6 या 9 बार में, मतलब आप बता देना कितनी बार, लेकिन 6 या 9 बार तो भारत जीत चुका है। और इतनी जीत के बाद मतलब आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि भाई हमारी अंडर 19 लेवल पूरी तरह से स्ट्रांग है और फिर अनबीटेबल रही पूरी टूर्नामेंट में और सेमीफाइनल तक आ गई। और सेमीफाइनल में जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को हराया, मतलब हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया अंडर 19, मतलब क्या ही कहा जा सकता है। इस जैसी परफॉर्मेंस से टीम इंडिया की अंडर 19 हमारे बच्चे ही दे सकते हैं और बड़ों से भी अच्छे अच्छे कर रहे हैं। पाकिस्तान को तो पाकिस्तानी बड़े बच्चों को तो ये पेल के रख देंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, एक वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो और बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।